देख लिया है नहीं तूने? अपनी माँ का किरदार, अपना बुढ़ापा संवारने के लिए तेरे सुहाग की खुशियां छीन ली इस डायन ने। कैसी माँ है आप, कैसी माँ? मेरी जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म कर दी आपने। ये देखे इस कागज को, उमेर ने मुझे तलाक दे दी है सिर्फ और सिर्फ आपकी बदकिरदारी की वजह से। इसीलिए तूने मुझसे जान छुड़ाई थी ना, कि अपनी मुर्दा मोहब्बत को जिंदा कर सके। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। आपको जिंदा रहने का कोई हक नहीं, माँ कहलाने के काबिल नहीं आप। शर्माती है मुझे आपको माँ कहते हुए। मेरी सुहाग के फूल चुरा कर अपने सेरे की लड़िया बना लिया आपने। मेरे सर से मेरे सुहाग का आंचल छीन लिया। मेरे चेहरे पर तलाक की स्याही मल दी गई सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अरे डाका मारने के लिए तुझे मेरी बेटी का सुहाग ही मिला था? तुझे पता है मेरे कानून में डाकू की सजा सिर्फ मौत है। हाँ, रहमत चला गोली, मार दे इसे, मार दे। गोली चलाए बाबा, मार डाले इसको, गोली चलाए, गोली चलाए। यानी तुम ठीक कहती हो, मुझे मुझे जीने का कोई हक नहीं है। अगर मैं जिंदा रही तो तुम मर जाओगी। मैं तुम्हारे माथे का झूमर नोच कर तलाक की स्याही तुम्हारे माथे पे नहीं लगने दूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। फोन उठाओ तहरा, प्लीज। क्या हो गया तहरा, फोन क्यों नहीं उठा रही? बेल तो मुसलसल जा रही है। खुदा खैर करे। जाके देखना चाहिए। अब्बा, पापा आपकी तबीयत तो ठीक है, कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, वो मेरे एक दोस्त का फोन आया, किसी मुश्किल में है, वहां जा रहा हूँ। अब्बा अगर आपका दोस्त मुश्किल में है तो फिर मैं भी आपके साथ चलता हूँ ना। जी पापा, वो मेरे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रात को इस वक्त अकेले जाना। बेटा तुम दोनों कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हो, मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूँ जो रात को अकेला बाहर जाते हुए डर जाऊंगा। अब्बा आज मैं आपके साथ जरूर जाऊंगा। उमेर, बचपन की बातें मत करो। अबा कई रातों से आपका कोई ना कोई दोस्त किसी ना किसी मुश्किल में होता है, आज मैं आपके साथ जरूर जाऊंगा। तुम यानी के सामने ऐसी बातें करके मुझे मशकूक बना रहे हो खामखा। आता हूं मैं भी। मेरे पापा, चल की आवाम यूएस एक के जरिए पाकिस्तान। हलीना, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? पापा, मेरे हंसने पे पाबंदी है, मैंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन आंसुओं पे लगे पहरे, ये उमड़ता सैलाब, ये कैसे रोकूं? बस इसीलिए चली आई सबसे छुपकर। तुम इतनी रात को सिर्फ
रोने के लिए आई? पापा, क्या मुझे अपने घर में रोने की इजाजत भी नहीं? उधर रोती हूँ तो पुप्पो को उनका माजी याद आ जाता है, वो आंसू जो आपकी मोहब्बत ने उन्हें दिए थे। अलीना बेटा, आज उमेर ने मुझे वो आंसू लौटा दिए हैं पापा, जो आपने पुप्पो के साथ किया था। आज उमेर ने मेरे साथ वो किया है। क्या कसूर है मेरा बेटा? आखिर कसूर क्या है मेरा? सिर्फ ये कि मैंने खुद अपने साथ जीने का हक मांगा था, अपनी खुशियां अपनी मोहब्बत मांगी थी, जो मुझे नहीं मिली, तो फिर क्या कसूर है मेरा? और आज तुम अपने उस कसूर को अपने बेटे की दुल्हन बनाकर अपने घर ले आए। मेरी बेटी का क्या कसूर है? बेटी 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 की क्या बात करती हैं आप? ये भी तो बेटी है, मेरी बेटी ही सही। ऐसी बेटी है जिसे अपने घर में रोने तक की इजाजत नहीं है। आप बेटी की बात करें, क्या पता है आपको कि बेटी क्या होती है? तुमने मुझे दो बार लूटा है वजाहत, एक बार ताहिरा के लिए और दूसरी बार अपने बेटे के लिए मेरी आंखों में आंसू दिए हैं, और इस बार तुम्हारी बेटी का मुकद्दर आंसू तुम्हारे अपने बेटे ने बनाए, तो फिर तड़प क्यों उठे? ये ताहिरा कब निकलेगी आपके दिलो दिमाग से? नामुमकिन, इसलिए कि तुम्हारे दिए हुए जख्म को तुम्हारे बेटे ने खुरच कर ताजा कर दिया है। और हाँ, तुम ये चोरों की तरह रात की स्याही में घर से निकलना बंद कर दो। घर के मुलाजमों को पता चल गया ना तो वो तुम्हें बदकिरदार समझने लगेंगे। अलीना, जाओ अंदर। और हाँ, अगर अपनी बेटी के आंसू पोंछना चाहो तो उसके पास आ सकते हो, इतनी रियायत मैं तुम्हें जरूर दूंगी, इसलिए कि तुम्हारी अलीना के आंसू मेरे जीते जी तो खुश्क होंगे नहीं। चाहे तो कसम ले लो अपनी ताहिरा की। मैंने अब आपसे मिलना नहीं चाहेगी, बाबा नहीं जाएंगे। क्यों? देखिए अपना मौज